ये सब कुछ होता है, और ये सब कुछ जब मेडिसिन वगैरह ज्यादा खानी पड़ती हैं तो ये लिवर जो होता है हमारा ये खराब होने लग जाता है, और जब ये खराब लिवर होता है तो फिर इसको हमको तरह तरह से संभालना पड़ता है। आपके सामने ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ 1, 2, 3, 4, हेल्दी लिवर, हेल्दी लिवर से फैटी लिवर होता है, फैटी लिवर से फाइब्रस हो जाता है, फिर उसके बाद सिरोसिस ऑफ लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर में पहुंच के ये रिकवर नहीं कर पा, और लिवर संक्रमण के वायरस भी कई तरीके के होते हैं, कि 5 तरीके के वायरस होते हैं, A, B, C, D, E आपके सामने, लिवर संक्रमण के वायरस A, B, C, D, E। यहां तक मैं देख रहा हूं कि शायद हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, अभी मैं रिकॉर्डिंग क्योंकि स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। हम लिवर कितना महत्वपूर्ण है हम जानते हैं, ये सारे काम हमारे लिए, फिल्ट्रेशन का काम, पाचन, मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन संश्लेषण, विटामिन और खनिजों का भंडारण, ये लिवर सब हमारे लिए काम करता है। और हमारे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के अंदर हमको ऐसी ऐसी चीजें खानी पड़ती हैं कि हम लिवर का हमारे को ध्यान नहीं रहता, लिवर खराब होता है, और उसके अंदर से कई बार, जैसे आप छोटी सी चीज है, बुखार उतारने के लिए गोली लेते हो, आप पैरासिटामोल की गोली लेते हो, आपको जान के बड़ी बड़ा अजीब लगेगा कि पैरासिटामोल की गोली लिवर के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, उसकी डोज मिनिमम टू मिनिमम लो, और जब जरूरत ना हो तो गीली पट्टियों से अपना बुखार उतार लो, पैरासिटामोल मत लो, ध्यान रखो, वो इतनी टॉक्सिक है हमारे लिवर के लिए कि कई लोगों को लिवर के बहुत क्षति का सामना करना पड़ता है। और हमारी बहुत सारी ऐसी दूसरी मेडिसिन भी एलोपैथी की, जब हम बीमार होके लेते हैं तो कई बार बहुत क्षति पहुंचती है लिवर को, और उसके साथ ऐसे ऐसे वायरस हैं जो वायरस हमको पता भी नहीं लगता कब हमारे को लग जाते हैं। इन वायरसेस को आइडेंटिफाई किया गया है, 5 तरीके के वायरस होते हैं, A, B, C, D और E, ये 5 तरीके के वायरस हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे ये वायरस आपको इन्फेक्ट करते हैं और आपको इनका सामना करना पड़ता है। आइए, लिवर संक्रमण के लक्षण, लिवर में सूजन, संक्रमण के सूजन हो सकती है, थकान हो सकती है, उल्टी से आने लग जाती है, खाना अच्छा नहीं लगता, और हम तकरीबन देखते हैं पीली आंखें, ये पीली आंखें जैसी कि आप आंख देख रहे हैं यहाँ पर, और ये पीली आंखें, ये जब जॉन्डिस हो जाता है हमको, आपको ये आज मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, जॉन्डिस एक बीमारी नहीं है, जॉन्डिस एक बीमारी नहीं है, जॉन्डिस एक लिवर संक्रमण का लक्षण है। किसी के भी कहने पे मत आइएगा, कोई आदमी कहे कि आपको आपका पीलापन निकाल देंगे, आप कभी बाहर जाएंगे तो कहेगा जी ये पीलापन होता है, किसी तरीके से हम शरीर में से पीलापन निकाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारे लिवर में संक्रमण होता है और जॉन्डिस जो होता है उसका सिम्टम होता है, और ये सिम्टम कैसे आता है, आइए आगे आगे हम देखते हैं कैसे कैसे आता है। ये देखिए आपके सामने फोटोग्राफ है, ये नॉर्मल है और ये लिवर के संक्रमण की फोटोग्राफ है, और ये आपको तकरीबन देखने को मिलेगी, और लिवर संक्रमण ए और ई, ये स्किन की ड्यूरेशन होती है 5 से 6 हफ्ते की ड्यूरेशन होती है, और 5 से 6 हफ्ते की ड्यूरेशन में 2-2.5 हफ्ते ये चढ़ता है और 2.5-3 हफ्ते ये नीचे उतरता है, और 3 हफ्ते जब उतरता है पूरा पीलापन जब सामने आ जाता है, आप डॉक्टर के पास जब जाते हो, आप तब जाते हो जब आपको मितली आने लग जाती है, आपको उल्टी सी आने का सेंसेशन होती है, आपको लगता है कि कुछ भी खाने पीने को अच्छा नहीं लग रहा, मम्मी घर में खाना बना रहे हैं या घर में खाना बन रहा है तो वो अच्छा नहीं लग रहा, तो ये कहते हैं हो क्या रहा है। जब ये स्टेज आती है तब तक आपको इन्फेक्शन हुए 2 हफ्ते हो चुके होते हैं, और संक्रमण ए इतना संक्रामक है कि इस दौरान में आप और लोगों को भी चांसेस हैं कि आप संक्रमण आप ए वायरस से इन्फेक्ट कर दें, इसीलिए इस यहीं से शुरुआत होती है जूठे ग्लास की, जूठे बर्तनों, यहां से शुरुआत होती है। हम
क्यों झूठा सच्चा करने लग गए, ऐसी एक ही थाली में क्यों नहीं खा लेते, एक ही बर्तन में क्यों नहीं सब खा लेते। ये इसलिए कि किसी को नहीं मालूम कि उसको अंदर उसके अंदर लिवर का टाइप ए संक्रमण है, और जब वो किसी और के संपर्क में, खाने पीने के संपर्क में आता है या बहुत क्लोज होता है तो ये इसके लगने के पूरे चांस होते हैं, बड़ा संक्रामक। और ये होता है गंदे पानी से और गंदे हाथों से, गंदी सब्जियों से और गंदे फलों से। ये फलों को धो के खाना चाहिए, सब्जियों को धो के इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीजें बहुत ध्यान से करनी पड़ती हैं हम, ताकि हम लिवर के संक्रमणों से बचे रहें। ए का संक्रमण है ये, और ई का भी संक्रमण जो है तकरीबन मिलता जुलता है, इसीलिए एक ही पेज के ऊपर। ई का संक्रमण भी ये 5-6 हफ्ते का होता है, 2-3 हफ्ते उत्तर ऊपर जाता है, 3 हफ्ते नीचे जाता है, और इस तरीके से ए और ई आपको इन्फेक्ट करता है। संक्रमण सी, अभी मैं आपको कारण भी बताऊंगा कि ए बी सी डी से सीरियल वाइज क्यों नहीं चले, ये अलग अलग है। संक्रमण सी, संक्रमण सी उन लोगों को लगता है जिनको ब्लड डोनेशन के थ्रू आता है, खून के जरिए से आता है, और पहले तो इसका कोई इलाज भी नहीं था, लेकिन संक्रमण सी का अभी इलाज आ गया, मेडिसिन लेके ठीक हो जाता है, और विटामिन सी वाले लोग, लेकिन एक प्रॉब्लम विटामिन ये जो जिनको सी संक्रमण होता है, लिवर का संक्रमण सी, ये लिवर के संक्रमण सी के मालूम ही नहीं पड़ता है कि आधे लोग ऐसे अपना जीवन गुजार रहे होते हैं जैसे नॉर्मल होता है, और बहुत ही ज्यादा आगे एडवांस स्टेज के ऊपर पता लगता है कि आपको संक्रमण सी था। जब लिवर में सोजन हो जाती है और प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती हैं, तब जाके पता लगता है कि आपको हेपेटाइटिस सी था। इस मामले में सी थोड़ा सा घबराने वाली चीज है, तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि लिवर को कभी इग्नोर मत करो। हल्का सा भी आपको प्रॉब्लम लगती है लिवर में, फटाफट डॉक्टर के पास जाएं और उसको डायग्नोज करने दें कि किस तरीके से पता लगे भी हमारे के अंदर कोई संक्रमण छुपा हुआ तो नहीं है, क्योंकि 50% लोगों को जिनको संक्रमण सी होता है लिवर का, उनको पता नहीं लगता कि संक्रमण सी है। और संक्रमण बी तकरीबन ये वायरस के साथ होता है, छोटे बच्चों को और दूसरे बच्चों को होने की चांस है, और एक और कैटेगरी है ये हेपेटाइटिस बी जो है, संक्रमण बी, ये सुई के जरिए होता है। इन्फेक्टेड सुई अगर किसी और ऐसे मरीज को लगी है और वही सुई किसी और मरीज में अगर लगा दी तो ये हेपेटाइटिस बी हो जाता है, और हेपेटाइटिस बी इतना संक्रामक है कि एक बार किसी को हो जाता है तो ये फिर ठीक नहीं होता। बस इससे बचना है आप, मैं इसीलिए आप लोगों को खासकर इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस बी से बच के रहो, क्योंकि इसके संक्रमण से ठीक नहीं होता, कभी भी कोई ठीक नहीं होता, और ये क्रॉनिक बीमारी है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, चलता रहता है, लेकिन होने से पहले इसका टीका है, होने से पहले इसका टीका है। सारी हॉस्पिटल की नर्सें, सारे हॉस्पिटल के वार्ड बॉय, सारे डॉक्टर हेपेटाइटिस बी लगा के रखते हैं, और मैं भी जब अपने जब मेडिकल के लाइफ के अंदर था, मैं जब मेडिकल कंपनियों के लिए काम करता था तो कंपनियों की तरफ से हमारे को हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवाया जाता था, हम लगा के ही हॉस्पिटल में जाया करते थे। तो ये है हेपेटाइटिस बी, और ये बड़ा ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ठीक नहीं होता कभी, और ये हेपेटाइटिस बी जब होता है तो बी होने वालों को संक्रमण डी भी हो जाता है। डी उन्हीं को होता है जिनको बी होता है। और एक डेंजरस बात और बताने जा रहा हूं, आप कहेंगे यहां पे ये टैटू क्यों दिखा दिया। फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानगी होगी, हेपेटाइटिस बी टैटू करने से भी फैलता है। टैटू करने वाली सुई अगर किसी ऐसे आदमी को लगी हुई है पहले जिसको कि हेपेटाइटिस बी था, और उसी सुई से ये दूसरे का टैटू अगर बना दिया तो ये टैटू तो बन जाएगा लेकिन जिंदगी भर हेपेटाइटिस बी ठीक नहीं होगा। याद रखिए, ये है डेंजर, ये सारे के सारे
जो लिवर के संक्रमण है, ये ए बी सी डी इस तरीके से चलते हैं। आइए आगे चलते हैं, और अब मैं आपको थोड़ी सी बात और बताना चाहूंगा कि लिवर के इंफेक्शन के बारे में बहुत सारे वहम भी चलते हैं मार्केट के अंदर। ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कहते हैं 3 खुराक के अंदर लिवर ठीक, कोई कहता है 1 खुराक में लिवर का पीलापन जितना है वो बाहर निकाल देगा, और कोई और क्लेम करता है, कोई और क्लेम करता है। होता क्या है आप जानना चाहेंगे? तो सोचिए आप, ऐसा है अगर आपको हेपेटाइटिस ए या ई हुआ है, मैं वापस आ रहा हूं यहां पर, हेपेटाइटिस ए और ई अगर ये हुआ है, इनका ड्यूरेशन है 5 से 6 हफ्ते, और आपको 2-2.5 हफ्ते के बाद पता लगेगा कि आपको हेपेटाइटिस है, 2-2.5 हफ्ते के बाद, तो इस वायरस ने अपने आप ही नीचे उतरना है। वो 3 खुराक देकर एक मोटे से पैसे लेकर आपको कहेगा कि देखो मैंने उतार, अरे उसने नहीं उतारा, इसने अपने आप ही उतरना है। इस वायरस का जो है हेपेटाइटिस ए और ई का ये करैक्टर है कि ये 2-3 हफ्ते चढ़ता है और 3 हफ्ते उतरता है। अब जैसे ही अब आप जाएंगे उसके बाद 2-3 हफ्ते तो पहले ही हो चुके आपको संक्रमण हुए, और वो कोई भी उठा के 2 खुराक देगा आपको, और आपका 1-2 दिन के अंदर उतरना शुरू हो जाएगा जो हेपेटाइटिस है, जो उतरना स्टार्ट हो जाएगा, कहेगा देखो मैंने उतार दिया ना। तो बस इसका ध्यान रखिएगा कि कोई आपको वहम में डाल के कहीं आपसे मोटे पैसे ना झाड़ ले। इसलिए वहम में नहीं पड़िएगा, बिल्कुल वहम में नहीं पड़िए, बिल्कुल जैसे ही आपको अंदेशा हो कि आपको लिवर का संक्रमण है, फटाफट डॉक्टर के पास जाइए, खून की जांच कराइए, पता लग जाएगा कि कौन से टाइप का संक्रमण है, और या फैटी लिवर है, कुछ भी है, आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो आपको खून की जांच करके पता लग जाएगी, और वहां से आपका सफर शुरू होगा कि आप कैसे ठीक होंगे। कोई बात नहीं, कोई अगर संक्रमण है जैसे बी है, ये ठीक नहीं होता, लेकिन मेंटेन किया जा सकता है, हम अपनी डाइट और अपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेकर उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर पूरा ठीक नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 70% ठीक हो जाए, 80% ठीक हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसलिए बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, डेंजरस है, लेकिन डेंजरस क्या चीज नहीं होती, कार चलानी क्या डेंजरस नहीं होती, रॉकेट में जाना क्या डेंजरस नहीं होता, प्लेन में जाना क्या डेंजरस नहीं होता, बहुत चीजें डेंजरस होती हैं, लेकिन हर डेंजर का सामना करना ही ह्यूमन बीइंग्स का काम है। तो वही है, हेपेटाइटिस बी भी डेंजरस है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं, आइए आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखते हैं। और एक और मैंने आपको शुरुआत में कहा था, रिपीट करता हूं, आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपके लिए नए आयाम खोल रहा है, ये नई अपॉर्चुनिटी ओपन कर रहा है आपके लिए, वो ये कि कोई भी आदमी, चाहे वो अल्कोहल पीता है चाहे नहीं पीता, चाहे वो मेडिसिन लेता है चाहे नहीं लेता, वो किसी भी रूप में अपने लिवर का रोगी हो सकता है। चल रहे मोटापे की महामारी ने गैर मादक वसा युक्त लिवर रोग, गैर मादक वसा युक्त लिवर रोग, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ये भी सामने आई है, और बहुत जबरदस्त रिसर्च चल रही है इसके ऊपर कि देखो जी, कोई भी नॉर्मल आदमी है, कुछ भी नहीं, कोई दारू भी नहीं पीता, अल्कोहल भी नहीं लेता, अपना नॉर्मल घर का खाना खाता है, और फिर भी उसको लिवर की प्रॉब्लम हो रही है, और इस नए गैर मादक वसा युक्त लिवर रोग ने बहुत बढ़ते फैलाव में योगदान किया है, जो दुनिया भर में लिवर रोग का सबसे डरावना रूप है। और NAFLD आमतौर पर 7 होने वाली बीमारियों से जुड़ा होता है, जिसमें मोटापा, Type 2 diabetes, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियां, गुर्दों की और श्वास तंत्र की बीमारियां शामिल हैं। NAFLD के बारे में बहुत रिसर्च और भी हो रही है। दोस्तों, फैटी लिवर रोग, ये फैटी लिवर मतलब आप देख लीजिए, ये आपका नॉर्मल लिवर है और ये फैटी लिवर है। अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग और गैर अल्कोहलिक फैटी लिवर दोनों लिवर सिरोसिस का कारण बन सकते हैं। लिवर सिरोसिस एक ऐसी इंडिकेशन है, अगर हो जाता है तो वो रिकवर नहीं कर सकता, वो लिवर रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो सकती है उसकी, वो जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। और हमारा जो डायबिटीज बढ़ रही है,
डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रही है, इसने बहुत ज्यादा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया है डायबिटीज के चलते, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो जाता है, फैट का भी मोबिलाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर बहुत अलग हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं हमारे को कि हम बिना लिवर की प्रॉब्लम हुए रह नहीं सकते। तो ये है फैटी लिवर रोग। ये फैटी लिवर रोग है, इसमें कोई संक्रमण नहीं है, कोई इंफेक्शन नहीं लगी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन फिर भी इसकी व्यापकता बढ़ती जा रही है, और फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने लोग मोटे लोग दूर से आपको नजर आते ना आए, सोच लो कि वो आपका एक कस्टमर आ रहा है। जब वो आपको आके कहेगा कि मेरे को आजकल खाना नहीं पचता, आजकल थोड़ी सुस्ती रहती है, आजकल मैं थोड़ा सा काम थोड़ा मजेदार नहीं है, थोड़ा चलने फिरने में भी अच्छा नहीं लगता, समझ जाइए इसको फैटी लिवर हुआ हुआ है। जितने भी आपको मोटे तगड़े लोग आसपास चलते फिरते नजर आते हैं, 25-30% उनके अंदर से फैटी लिवर के प्रॉब्लम होती है उनको, चाहे वो अल्कोहल लेते हैं चाहे नहीं लेते अल्कोहल। आइए अल्कोहलिक फैटी लिवर बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस होगा उन लोगों को ये जान के जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। फैटी लिवर, अल्कोहल वाला जो फैटी लिवर है उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है नॉन फैटी लिवर के कंपैरिजन। जैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जिसको है तो उसकी रिकवरी मुश्किल होगी, फैटी लिवर जिनको अल्कोहल से हुआ है उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। सिर्फ करना क्या है, अल्कोहल रोक दो, खाना ठीक खाने लग जाओ और कुछ दिनों में रिकवर कर जाता है लिवर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिनको भी प्रॉब्लम होती है अल्कोहल लेने वालों को फैटी लिवर की, वो जैसे ही अल्कोहल लिवर ठीक होता है दोबारा से अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं, और ये उनकी अल्टीमेटली उनके जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण बनता है। और दोस्तों, हर अल्कोहल पीने वाले को फैटी लिवर हो जाता है जो एक दिन में 60 ग्राम से अधिक शराब का सेवन करता है। 60 ग्राम को एक पैग मत समझेगा, 60 ग्राम होते हैं ये करीबन 2 पैग होते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल हम पीते हैं या कोई भी पीता है, अल्कोहल होता है 72.5 डिग्री प्रूफ होता है, 42.5% अल्कोहल होता है, तो उसके करीबन 2-2.25 पैक बन जाते हैं। तो कोई भी अगर इतना अल्कोहल रोज अगर लेता है तो वो इसका शिकार हो सकता है। और रेगुलरली काफी लोग धीरे धीरे, शादियों और जन्मदिनों पे पीने वाले लोग तकरीबन वो आगे जाकर रोज पीने वाले 2 पैक पीने वाले बन जाते हैं। जरा सी टेंशन में उनको 2 पैक चाहिए होती है, जरा सी मौज के अंदर 2 पैक चाहिए होती है, अगर शादी हो तो भी 2 पैक चाहिए और शादी नहीं हो तो भी 2 पैक चाहिए। तो बस ये कारण बन जाता है उनके लिवर के प्रॉब्लम का। NAFLD एक ऐसी चीज है, गैर मादक वसायुक्त लिवर रोग। NAFLD एक साइलेंट किलर माना जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता लगता कि ये कितना डेवलप हुआ है, और उससे पता लगता है कि कभी डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम लेकर जाता है और एक्सीडेंटली डॉक्टर देखता है कि क्या हाल है, डॉक्टर देखता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, पेट में भी प्रॉब्लम है, और आपका ट्राइग्लिसराइड्स का भी लेवल ज्यादा है, आप थोड़ा सुस्ती भी महसूस करते हैं, और ऐसे में लिवर भी ऐसा हो जाता है उनका कि वो इंसुलिन का भी इफेक्ट कर जाता है, तो उनकी डायबिटीज भी खराब होने लग जाती है, और इंसुलिन प्रतिरोधक डायबिटीज हो जाती है उनको, कि उनका शरीर इंसुलिन को रेजिस्टेंस शो करता है कि इंसुलिन है भी लेकिन इंसुलिन का असर नहीं, क्योंकि बॉडी इंसुलिन के अगेंस्ट काम करने लग जाती है। और इस चीज को गैर अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं, और बड़े हाई लेवल की फैट जमा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बड़ा हाई होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल बड़ा हाई होता है, ये बैलेंस पूरा खराब हो जाता है, और ऐसे में कोई भी आदमी को पता नहीं लगता कि मेरा क्यों हालत क्यों खराब होती जा रही, और फिर अचानक आपको मिलेगा, कहेगा यार
थोड़ा सा ये ऊपर ऊपर एब्डोमेन में पेन होता है, पता नहीं क्या बात है यार, नाभि के ऊपर ये जो जो मैंने जगह दिखाई है ना, ये जो जो फोटोग्राफ के अंदर आप जगह देख रहे हैं, ये नाभि, ये यहाँ लिवर की पोजीशन है, ये लिवर की पोजीशन है, यहाँ पर सूजन हो जाती है और थोड़ा सा पेन होने लग जाता है और बॉडी भी अच्छी तरह नहीं चल रही होती, तो ये तकरीबन ये लिवर का दर्द माना जाता है इसको। और ऐसे में फिर उनको जरूरत पड़ती है लिवर के प्रॉब्लम की, और ये सब चीजें उनके सामने आती, भूख ना लगना, ब्लड प्रेशर, थकान, डिप्रेशन, अस्वस्थ पेट, कुछ भी ऐसी चीजें जो कि उनको अच्छी नहीं लगती, डायबिटीज, बेचैनी, ये सब चीजें उनको होने लग जाती हैं। और आदमी को लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, शायद मैं सोया नहीं, कि शायद मैं ढंग से खाया नहीं, कि मालूम नहीं क्या गलती हो गई, पीता तो हूं ही नहीं, अब पीता भी नहीं है फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। आप कहेंगे यार ये तो कोई बात बनी नहीं, क्यों हो रहा है, तो फिर डॉक्टर के पास जाता तो फिर उसको पता लगता है कि ये ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लिवर है। ये ग्रेड है, फैटी लिवर के 3 ग्रेड होते हैं, 1, 2, 3। तो फैटी लिवर का ग्रेड वो देख लेता है, अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड में आ जाता है, अल्ट्रासाउंड के अंदर फैटी लिवर पता लग जाता है, और टेस्ट के अंदर भी आ जाता है, वैल्यूज बढ़ी हुई टेस्ट के अंदर भी आ जाती हैं कि आपको फैटी लिवर है। तो ऐसे में फिर हम अपना काम शुरू करते हैं, उसको दो तरीके की ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं हम, क्या करें ये देखिए, लक्षण हो तो क्या करें? अगर आपको अक्सर पेट में दर्द रहता है, उल्टी थकान की शिकायत बनी रहती है, तो लिवर बढ़ने का संकेत होता है, इस स्थिति में इलाज कराना बड़ा जरूरी है, खून की जांच करवा के देख लें कि संक्रमण कौन सा है या फैटी लिवर है, और दार्जुनाइन के प्रोडक्ट लेकर फैटी लिवर या संक्रमण में लाभ लिया जा सकता है। आपको यही मैं शुरू स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का आपका दरवाजा खोल रहा हूं, आप बड़े आराम से अपने लिवर के प्रोडक्ट, इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं आपके पास, और लेन प्रोडक्ट को सबको लेकर आप बड़े आराम से अपनी मार्केट बना सकते हैं। और सबसे पहले लिवर डिटॉक्स, ये स्लाइड भरी नजर आ रही है, जान के भरी है, आपको दिखाने के लिए कि लिवर डिटॉक्स अगर हमारा एक कैप्सूल है तो ये मार्केट का वन ऑफ द टॉप क्लास प्रोडक्ट है, टॉप क्लास प्रोडक्ट है, जिसके अंदर की सबसे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, जो सबसे अच्छी चीज जो पाई जाती है, सबसे बढ़िया जो हर्ब पाया जाता है, वो है भुई आंवला। भुई आंवला लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट, हेपेटोप्रोटेक्टिव, एंटीवायरल, और लिवर के हर पेशेंट को भुई आंवला तो दिया जाता है, कुछ भी कर। पुनर्नवा, आपको दोबारा आपका बॉडी को पुनर्जन्म करने वाला पुनर्नवा, मुश्ताक, जिगर के लिए टॉनिक है, और मिल्क थिसल पूरे वर्ल्ड के अंदर महसूस है, ये मशहूर है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल लिवर को बहुत जल्दी रिकवर करने के अंदर हेल्प करता है, ये मिल्क थिसल के आने से लिवर की रिकवरी के अंदर नए आयाम खुल गए। अब और बहुत सारे कॉमन प्रोडक्ट, कुटकी, पारंपरिक हाइपोप्रोटेक्टिव, गांवों के अंदर भी ये कुटकी जो होती है, ये गांव के अंदर लोग बड़े अच्छी तरह पहचानते हैं, और इसके बड़े गुण होते हैं जो कि आपके लिवर को बहुत प्रोटेक्ट करती है, भृंगराज, पिपली, काली मिर्च, और एक कैप्सूल सवेरे चाहे खाने से पहले ले लो, चाहे बाद में ले लो, एक कैप्सूल शाम को चाहे खाने से पहले चाहे बाद में आप लेकर बड़े अच्छे से। और मैं साथ में इसके ये भी बताऊंगा कि कैसे आपने खुराक अपनी ठीक रखनी है, और जिसको भी आप बताएं ये लिवर डिटॉक्स, उसको खुराक साथ बताएं, खुराक साथ बताएं, और कहें कि आपने फिर खाना भी कैसा खाना। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, आपकी प्रोडक्ट जब तक कोई आदमा खाने का ढंग नहीं बदलेगा तब तक वो असर नहीं करे, तब तक उसका वो बढ़िया इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा जब तक वो अपना खाने पीने का स्टाइल चेंज नहीं करता। तो जब लिवर आपका फैटी लिवर हो जाता है, या आपको लिवर के कुछ कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं, और आप लिवर डिटॉक्स किसी को दे रहे हैं, तो ये मत कहिए कि आप अपना नॉर्मल कोर्स जारी रखिए, इसमें पीना नहीं, ज्यादा तेल वाली चीजें, तली हुई चीजें, मक्खन, घी, दूध, ये चीजें सब रुक जाइए, रुक जाइए, मत खाइए, लिवर को ठीक होने दीजिए, बाद में खाएंगे ना, सारी जिंदगी पड़ी है।
कोई ऐसी बात नहीं। तो इस तरीके से अपने और कच्ची सब्जियां, फल, ये सब चीजें अच्छी तरीके से उसको उसकी डाइट के अंदर ऐड कर दीजिए और आप देखेंगे कि बड़ी अच्छी तरह रिकवरी होती है और इतना बढ़िया प्रोडक्ट है आपका। आप मार्केट में, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि किसी को भी अगर देखना है, आप चाहे जाके ना इन प्रोडक्ट्स को एक एक करके गूगल पे जाइए, गूगल पे जाइए, देखिए जरा अच्छी तरह कि ये प्रोडक्ट्स का क्या क्या इफेक्ट है। आप जाइए गूगल पे और ढूंढिए कि कितना बढ़िया इफेक्ट है इन सबका, और आप देखेंगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट है इस तरीके का प्रोडक्ट कंपेयर करके देखिए। बाकी और बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, आप उनसे कंपेयर करके देखिए कि उन सबके अंदर वो चीजें हैं जो आपके प्रोडक्ट के अंदर हैं। दोस्तों सच कह रहा हूं कि आपको अपने इस प्रोडक्ट जैसा कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नजर नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा, ये मैं देखने के बाद बोल रहा हूं। और ये आपको ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको देखिए सबसे पहले लेते ही क्या एक्शन करेगा, आपका डाइजेशन ठीक करेगा। नंबर वन, आपकी जितने भी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती थी, कभी खट्टे डकार आते हैं, कभी मोशन अच्छी तरह नहीं आती और आपको कुछ खाने का दिल नहीं करता, आप देखेंगे आप जैसे ही इसको लेना स्टार्ट करेंगे आपको भूख जागृत होगी, आपको खट्टे डकार आने बंद होंगे, आपको मोशन बड़ी अच्छी तरह आएगी और आपका सिस्टम ऐसे लगेगा कि ये लाइन पे आ रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये तो सिस्टम तो एकदम बिल्कुल ठीक आ रहा है। और जब जब एक आध दो दिन के अंदर, तीन दिन के अंदर सिस्टम एकदम ठीक आने लग जाएगा और साथ में उसके जब आप उनको उसका खाना भी चेंज करेंगे तो आपको एक और कॉन्फिडेंस आएगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि जो मैंने प्रोडक्ट दिया है वो अच्छा है। और जब अच्छा प्रोडक्ट जब किसी और को असर करता है तो उसका आपकी कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस भी जागृत होता है। इसीलिए कहता हूं कि ये प्रोडक्ट अगर अच्छी तरह समझ के आप किसी को देंगे तो आपके लिए बिजनेस का एक नया आयाम खुल जाएगा, आपके लिए अपनी प्रॉब्लम ठीक करने का एक नया आयाम खुल जाएगा। क्योंकि कुछ नहीं मालूम किसी को हो रहा है, ये कुछ नहीं बोलो, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, आपने ठीक क्या करना है। देखिए हमने बात की यहाँ पे कि कितने तरीके के वायरस होते हैं, उनका संक्रमण होता है, आपने वायरस संक्रमण में कुछ नहीं कर सकते, इवन डॉक्टर भी वायरस संक्रमण के अंदर कुछ नहीं कर सकते। हम वो भी बात करेंगे कि अगर किसी को वायरल संक्रमण भी हो गया है तो आप नंबर वन तो उससे दूर रहिए, क्योंकि संक्रमण किसी और को भी लग सकता है, नंबर वन दूर रहिए, ठीक है जी। और दूसरा, वायरल संक्रमण में भी तो लिवर को टॉनिक की जरूरत है, तो हमने फिर उसको टॉनिक देना होगा, तो यही टॉनिक है और कोई है ही नहीं। तो ये टॉनिक अगर उसको जब उसको लिवर संक्रमण होगा, हेपेटाइटिस बी है चाहे सी है चाहे ए है चाहे ई है, जब हो गया और आपने उसको रोक दिया, तकरीबन सारे तरीके के वायरल संक्रमण के अंदर डॉक्टर इनको क्या कहेगा, भाई आप हल्का खाना और गन्ने का जूस पिए, सबको कहेगा ठीक है, आप हल्का खाना गन्ने का जूस साथ में आप हमारे प्रोडक्ट लीजिए, आप देखेंगे आपकी रिकवरी बहुत जल्दी, भूख जागृत हो जाएगी, लिवर जो होगा जल्दी से वो रिकवर करने लग जाएगा और आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने प्रोडक्ट के साथ बड़े अच्छे तरीके से और लोगों को भी प्रमोट कर पाएंगे। याद रखिए इस चीज को, ये प्रेजेंटेशन आपको आपके पास रहेगी और ये प्रेजेंटेशन बेशक लोगों को दिखाइए, आप देखेंगे कि एक ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है जो बाकी कंपनियों के पास नहीं है, बाकी कंपनियों के पास ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट मैं रियली मैं शुक्रगुजार हूं डागर साहब ये हैं जो इन्होंने देख सकते थे, ये वो उन्होंने देख के उन्होंने देखा और ऐसी ऐसी चुनिंदा हर्ब्स जो है इसके अंदर डाली हुई है कि ऐसे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बड़े रेयर हैं, नहीं रेयर हैं, होंगे शायद, चाहे हमको नजर नहीं आते बट वेरी रेयर प्रोडक्ट आते हैं, बहुत रेयर हैं। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को यूज करके और यूज करवा के आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। डरिए नहीं, मैं कहता हूं, दोबारा कह रहा हूं, डरिए नहीं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। उसके बाद हम आते हैं लिवर संजीवनी, एक और प्रोडक्ट है ये लिवर संजीवनी। देखिए मैंने बहुत अभी बातें की हैं फैटी लिवर और लिवर इन्फेक्शन के बारे में। देखिए छोटे बच्चे, उनको
हमेशा हाथ धोने का ख्याल नहीं रहता। छोटे बच्चे अपने स्कूलों में जाते हैं तो पानी उनको कैसा पीने को मिलता है, शायद हम बिल्कुल हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते। ये छोटे बच्चों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। और हम भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो कौन से पानी के अंदर क्या वायरस हमारे अंदर जा रहा है, क्या हो रहा है, या किस तरीके से हमको लिवर का की को खराब करने का संक्रमण हो रहा है, हमको कुछ नहीं पता। ये एक पीने वाली प्रोडक्ट है, बड़े आराम से ये लेकर छोटे बच्चे और वो पेशेंट जो कि टैबलेट या कैप्सूल नहीं ले सकते, बहुत आराम से बहुत जल्दी ठीक होते हैं। और एक से एक बढ़ के प्रोडक्ट है इनके अंदर। और गन्ने का रस, हरितकी, भृंगराज, पुनर्नवा, कालमेघ, कासनी, भुई आंवला, कुटकी, ब्रह्मी, आंवला, चित्रक, अर्जुन, गुलाब, धनिया, गुडुची, पिपली और नटग्रास, इतने नायाब प्रोडक्ट हैं इसके अंदर। और बिल्कुल आयुर्वेदिक बैलेंस्ड फॉर्मूला, आयुर्वेदिक बैलेंस्ड फॉर्मूला आपके पास है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से किसी भी लिवर के संक्रमण के लिए इसको लेकर कोई भी आदमी बहुत मजे से आराम ले सकता है। और एक स्वस्थ लीवर के लिए एक प्राकृतिक आयुर्वेदिक उपचार है। और पाचन की क्रिया को बढ़ावा देते हुए लिवर को जितने भी हेपेटोटॉक्सिन्स वगैरह हैं उनसे बचाता है ये प्रोडक्ट। तो आप इसको लेके भी आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये हमने किसको दिया, कोई भी एडल्ट एक कैप्सूल सवेरे या शाम को, ये कोई भी बच्चे या ऐसे लोग जो पेशेंट हैं उनको लिक्विड अगर देना है ले सकते हैं, लेडीज लेना चाहें तो ले सकती हैं। और ये प्रोडक्ट है जो आपके आप देखेंगे जैसे किसी को हेपेटाइटिस ए हो गया, जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस में कोई दवाई नहीं देनी होती, एलोपैथी में भी कोई दवाई नहीं देते, किसी में कहीं आयुर्वेदिक में भी कोई दवाई नहीं देते। तो ऐसे में जॉन्डिस वगैरह जब हुआ है, खाना भी कम खा रहा है पेशेंट, तो ये लेकर बड़े आराम से रिकवर हो सकता है। ये बहुत एक ऐसी चीज है। और हमारी लिवर संजीवनी एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत कामयाब प्रोडक्ट है। और इसके एक से दो बड़े चम्मच दिन में दो बार लेके, दो से तीन बार लेकर आप बड़े आराम से अपने लिवर को मैनेज कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं हम। और एक और प्रोडक्ट हमारे पास आज है जिसके अंदर की ये फैटी लिवर को ट्रीट करने का प्रोडक्ट है, लिव फिट है। आप लगातार इसको 6 महीने 3 महीने लेके इसको बड़े आराम से, लिव फिट सिरप में उपस्थित जड़ी बूटियां एक का मिश्रण लिवर की प्राकृतिक कार्य क्षमता को बढ़ाता है, विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर निकाल के सहायता करता है, हेपेटाइटिस रोग के प्रति भी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है और लिवर में एकत्रित अनावश्यक चिकनाई को समान रखने में सहायक होता है। और ये लिफ्ट भी एक वैसा ही प्रोडक्ट है जो कि आप इस्तेमाल करके इसको बड़े आराम से अपने, देखिए लिवर अब कह लीजिए वो रोग नहीं है कि जब लिवर को रोग सिर्फ जाना जाता था कि जब पीलिया हो जाएगा तो समझेंगे कि लिवर का रोग है। अब फ्रेंड्स जान लीजिए, पीलिया नहीं भी है तो भी आप लिवर के रोगी हो सकते हैं। ये फर्क है, सिर्फ ये फर्क है। और इसलिए ये प्रोडक्ट हैं जो कि लेकर आप बड़े अच्छे तरीके से आप अपने प्रॉब्लम के ऊपर काबू पा सकते हैं। और अगर ये नहीं, साथ में ओमेगा 3 और वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, नींबू का सेवन नियमित रूप से 1 कप पानी में आधा नींबू निचोड़कर 1 चम्मच फॉरेस्ट हनी के साथ ले लीजिए, बहुत इफेक्टिव है। आपके आपके लिवर के लिए टॉनिक हो जाता है, लिवर को एनर्जी मिल जाती है एकदम। हनी जो है आपके लिवर के लिए बेस्ट एनर्जी है, आपको एकदम रेडी शुगर। और हनी एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ एनर्जी के साथ बहुत सारी वो चीजें भी देता है जो कि आपके लिवर के लिए हेल्पफुल है। और ओमेगा 3 आपके शरीर के अंदर आपका फैट बैलेंस आपको अचीव करके आपको बहुत तरीके से मदद करता है। दोस्तों याद रखो, दार्जू 9 में हो तो घबराना नहीं, डागर साहब ने इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आपके लिए लाइन लगा के रखे हैं कि मैं भी कभी कभी हैरान होता हूँ कि इतनी बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट कैसे डागर साहब ने बढ़िया तरीके से लाइन लगा के रखे हैं कि इनके बराबर का प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नजर नहीं आता। यही बस इनकी खासियत है। और फ्रेंड्स आप इनको यूज करके आपको कोई भी लिवर रोग जो है आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकता।
और एक लास्ट की चीज वो ये कि लिवर की सूजन अगर कम करनी है तो खाली पेट सवेरे आपका जीरा आपके पास जो है वो बहुत हाई ऑर्गेनिक क्वालिटी का जीरा है आपके पास, अब जीरा सवेरे आधा चम्मच जीरा नींबू पानी के साथ ले लीजिए, उसको उसको वहीं पर ही सवेरे पीसिए, रखिए मत, इमीडिएटली पीसिए, आधा चम्मच लीजिए और खत्म कर दीजिए, रोज वहीं पीसिए और ले लीजिए आधा चम्मच जीरा रोज सवेरे खाली पेट शहद और नींबू पानी के साथ ले लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत पेट की सूजन लिवर की सूजन कम करने के लिए बहुत मददगार है, बहुत हेल्पफुल है। और फ्रेंड्स लास्टली मैं कहूंगा कि जब आपने डाइट किसी को कहनी है तो बताना है इन चीजों से बच के रहना, बच के रहो, ये चीजें लिवर के लिए टॉक्सिक हैं, जहर हैं, और चीनी वाले पदार्थ, तले हुए खाद्य पदार्थ, उच्च वसा, ज्यादा नमक, सफेद ब्रेड, चावल और पास्ता, लाल मांस, ये चीजें जहर हैं, नहीं खाई। और ये देखिए ये बर्गर वगैरह और ये कैंडी, ये जो फ्रेंच फ्राइज वगैरह जो हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल इस टाइम पर, बच्चे तो बहुत खुश होकर खाते हैं, लेकिन याद रखिए ये आपके लिवर के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, ये डाइट मना कर दीजिए अपने किसी को भी जिन जहां भी आप लिवर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि आपका जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उसके साथ बहुत सक्सेसफुल होगा। और फ्रेंड्स अभी मैं ये सेशन खत्म करूंगा और अभी आपके क्वेश्चंस अगर कोई हैं तो प्लीज मेरे तक पहुंचाएं, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस का जवाब देना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ और मैं अभी बताता हूँ आप। सर अभी कोई सवाल नहीं आए हैं सर, आई थिंक सेशन इतना सिंपलीफाई किया है सर आपने कि क्वेश्चंस का मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ कोई स्कोप नजर भी आ रहा है। चलो तो देख लो अनु जी, कोई अगर क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे जवाब दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ सर एक आना स्टार्ट हुआ है, एक दो क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन आया है सर, लिवर डिजीज एक्यूट होती है या क्रॉनिक होती है? ये दोनों ही होती है अनुजी, एक्यूट भी होती है और क्रॉनिक भी होती है। क्रॉनिक जो है हेपेटाइटिस बी, जैसा कि मैंने बताया बी वायरस से जो हेपेटाइटिस होता है ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और एक्यूट जब ये प्रॉब्लम होती है जब लोग लिवर का ख्याल नहीं रखते और लिवर का बिना ख्याल रखे ना डाइट का ख्याल रखते हैं, एक्यूट उनके लिए हो जाती है अनुजी, जो क्रॉनिक ड्रिंक करने वाले होते हैं वो उनके एक्यूट हो जाते हैं, फिर वो संभाली नहीं जाती डॉक्टर्स। फिर ऐसे केसेस में आप सुनते होंगे तकरीबन कि लिवर सिरोसिस हो गया और लिवर सिरोसिस के बाद लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई, तो ये एक्यूट केसेस होते हैं। एक्यूट केसेस में लिवर ट्रांसप्लांट होता है और क्रॉनिक केसेस के अंदर कभी कम होता है और कभी ज्यादा होता है, तो दोनों ही हो जाते हैं, एक्यूट कम होते हैं क्रॉनिक ज्यादा होते हैं। 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड को हेपेटाइटिस बी है। ओहो वेरी सॉरी, तो बच्चे को ये हेपेटाइटिस बी अगर अभी हो गया 6 साल के बच्चे को, तो इसको इसकी डाइट का जीवन जिंदगी भर इसका ख्याल रखना पड़ेगा, इसको हम फैट वाली चीजें नहीं दे सकते, इसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा और इसको हमेशा लिवर संजीवनी दे के रखना होगा, इसको कंटिन्यूअसली इसको लिवर संजीवनी इसको दे के इसके लिवर को मेंटेन करना होगा। तो ये 6 ईयर के बच्चे के लिए, वैसे डॉक्टर्स को डेंजर होता है तो वो पहले ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा देते हैं, तो ये लगाने से पहले ही अगर हो गया है तो अब ये अभी तक तो डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस ये है कि बी वायरस जो है वो ठीक नहीं होता,
मेंटेन हो जाता है। हाँ ठीक है, आप थोड़ा हल्का ही खाना अभी खा पाएगा, 6 साल का बच्चा, उतना अच्छा खाना जो जो बढ़ने के लिए जरूरी होता है वो नहीं खा पाएगा ये। और तो देख लें आप, डॉक्टर्स को कंसल्ट करते रहें कैसे मेंटेन करना है इसको, तो डॉक्टर्स बताएंगे कि कैसे मेंटेन करना। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन कब कब लगता है? हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन हर वो आदमी जो जो कोई भी लगा सकता है, केमिस्ट की शॉप पे अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन। अगर आपका हॉस्पिटल में काम रहता है ज्यादा, तो तकरीबन डॉक्टर कहते हैं अगर आपका हॉस्पिटल में काम ज्यादा रहता है तो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवा के रखिए, छोड़िए मत उसको। तो इसलिए जिन लोगों को नहीं हुआ होता तो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवा के रखते हैं हमेशा। जितने भी हॉस्पिटल में जाने वाले लोग हैं, कह लीजिए नर्सेस हैं, कंपाउंडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ जो है, सब लोग हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगा के रखते हैं, क्योंकि लीवर और किडनी दोनों ही खराब के केसेस में क्या लीवर संजीवनी ले सकते हैं? देखिए जब किडनी भी खराब हो तो आपको जरूर फिर आपके ब्लड की जांच और डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। जी सर। हाँ जी हाँ जी। डायबिटीज वाले लोग शहद ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, शहद लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं। शहद तो एक ऐसी चीज है बड़ा टॉनिक का काम करता है। अगर आपका लिवर, देखिए डायबिटीज के लोगों को, बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस कह लीजिए, लिवर जो है ग्रेड 2 का बड़ा होता है। हेपेटाइटिस से तो बच के रहना पड़ता है, नंबर 1 कहने लगा था मैं। डायबिटीज के जितने भी लोग हैं, नंबर 1 हेपेटाइटिस से बचें, बहुत साफ सुथरी जगह रहें, साफ सुथरा खाना खाएं, और दूसरी चीज उनको ये करनी पड़ती है कि लिवर उनका, हेपेटाइटिस के लोगों का बहुत फ्रीक्वेंटली फैटी लिवर हो जाता है। और फैटी लिवर सवेरे, मैंने लास्ट में अभी बताया था अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, कि मॉर्निंग में अगर नींबू के अंदर हमारा फॉरेस्ट हनी और जीरा अगर खाते हैं आधा चम्मच, तो बड़ा हेल्पफुल होता है ये फैटी लिवर के, बड़ा हेल्पफुल होता है। तो डायबिटीज के लोगों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारा फॉरेस्ट हनी डायबिटीज के लोग ले लें। और ये फॉरेस्ट हनी का ये मतलब नहीं वो चीनी खा रहे, फॉरेस्ट हनी तो बहुत टॉनिक का काम करता है, लिवर को एनर्जी देता है। और फॉरेस्ट हनी नींबू के साथ और साथ में जीरा अगर कुछ आधा चम्मच ले लेते हैं सवेरे, तो उनके बढ़े हुए लिवर के अंदर बड़ा हेल्पफुल होता है। देखिए सारे लोगों का डेंजरस लेवल पे बढ़ा हुआ लिवर नहीं होता, देखिए बहुत सारे लोगों का डेंजरस नहीं होता, ग्रेड 1 या ग्रेड 2, थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ तो होता ही है। जो आपको मोटे जितने भी लोग नजर आते हैं, मैं सबको कहता हूँ, जितना कोई मोटा लो आदमी दूर से आता हुआ नजर आ जाए ना, तो समझ लो कि आपका फैटी लिवर का पेशेंट आ रहा है, समझ लीजिए इस चीज। अब उसको फैटी लिवर कितना है, परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि ये परेशान भी तो नहीं करता। अगर थोड़ा सा फैटी लिवर होता तो कोई परेशानी नहीं होती, सिम्टम ही नहीं होता कोई, आदमी पता ही नहीं लगता उसको कि फैटी लिवर है और मैं क्या करूं इसके लिए, कुछ भी नहीं, ठीक है, एकदम ठीक है। तो इसलिए ये, और उसके ठीक होने और ना होने में इतना छोटा मार्जिन होता है कि बहुत जल्दी ही वो जैसे ही अपना खाना वाना जो है थोड़ा सा खराब कर देगा, बस उसको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। इसलिए जितने भी ज्यादा हैवी लोग हैं, बल्कि लोग हैं, फैट लोग हैं, उनको अपना लिवर के जांच करवा के रखिए। इवन लेडीज, मैं आदमियों को नहीं कह रहा, लेडीज को भी कह रहा कि सबको जांच करवा के रहना होगा, क्योंकि फैटी लिवर है किसी को भी हो जाता है, और किस लेवल तक का होता है और कितनी प्रॉब्लम करेगा कुछ नहीं मालूम, और कितनी जल्दी जैसे संक्रमण है ABCDE संक्रमण मैंने बोले, तो ए और ई जो होते हैं फैटी लिवर वालों को तो बहुत जल्दी लग जाते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास, जो हेपेटाइटिस सी वाली स्लाइड है, एक बारी दोबारा से बता दीजिए। हाँ जी देख लीजिए, ये भी हेपेटाइटिस सी वाली स्लाइड, ये देखिए, हेपेटाइटिस सी तकरीबन ब्लड डोनेशन से आता है। ब्लड डोनेशन में एक फ्लॉ है, एक प्रॉब्लम है ब्लड डोनेशन में, कि लोग जो भी खून जांच देने आते हैं
किसी का ये जांच नहीं कर सकते कि किसी का हेपेटाइटिस सी उसके ब्लड में है कि नहीं है। तो ये बाद में पता लगता है कि जो खून खून देकर गया, डोनेट करके गया, उसके खून के अंदर हेपेटाइटिस सी था, और फिर जिसको वो मिलता है उसको हो जाता है। अभी तक तो इसका इलाज ही कोई नहीं था, लेकिन अभी ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जिससे कि हेपेटाइटिस सी जो है पूरा ठीक हो जाता है। आजकल रिसेंटली, मतलब कह लो कि ये पिछले 3-4-5 साल की बात है कि ऐसी मेडिसिन आ गई हैं कि जिससे कि हेपेटाइटिस सी पूरा ठीक हो जाता है। एक क्वेश्चन आया है सर, लो बजट में लीवर का कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? लो बजट में तो ये सारा लो ही बजट है, ये कोई हाई बजट है ही नहीं, जान लीजिए। क्योंकि हमारा जो जो लिवर डिटॉक्स है, एक कैप्सूल सवेरे लेना है, एक सैंपल लेना है, ये लो बजट ही है। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर ये ट्रीटमेंट लेने जाएंगे तो ये कितने हजारों में निकलेगा मुझे नहीं पता। तो इसलिए जो जो यहाँ पर ट्रीटमेंट आपका आपका जो जिस तरीके से आप अपने लिवर का ख्याल दार्जुनाइन के अंदर रह के अच्छी तरह कर पाएंगे, ये लो बजट ही है। आप ये मत सोचिए हाई बजट है, तो ये लो बजट ही है। और आप अगर हॉस्पिटल में इसका इसी चीज का ट्रीटमेंट लेने जाएंगे तो ये फिर आपको बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट करेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि ये लो बजट ट्रीटमेंट ही है, आप इसको हाई बजट मत समझिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, लीवर संजीवनी को कब देना है, खाली पेट या आफ्टर मील्स? जब मर्जी ले लो, जब आपका दिल करे। ग्रेड 1 फैटी लीवर हाउ मेनी डेज में रिकवर होता है, ऐसा पूछा है सर। ग्रेड 1 फैटी लीवर तो 2 हफ्ते में रिकवर हो जाता है। लीवर संजीवनी को हम चाइल्ड के किस एज ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं? लीवर संजीवनी 5 साल के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं आप। और अगर एज 14 इयर्स है, उसमें हेपेटाइटिस सी है, तो क्या हम लीवर संजीवनी दें या लीवर डिटॉक्स दें? उसमें आप लीवर डिटॉक्स दे सकते हो, और मेडिसिन आती है मार्केट के अंदर, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर दे देगा वो मेडिसिन, से पूरा ठीक हो जाएगा हेपेटाइटिस सी। अगर सी है तो पूरा ठीक हो जाएगा। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, क्या उसके लिए भी इसको दिया जा सकता है? देखिए जी, लिवर का जो जितने भी लिवर के प्रोडक्ट हैं, सबसे पहला उनका इफेक्ट है कि भूख लगाते हैं। और लिवर संजीवनी या हमारा लिव फिट जो है, ये बड़े अच्छे भूख लगाने के टॉनिक भी हैं, बहुत अच्छी भूख लगती है। इनका सबसे पहला एक्शन यही होता है कि ये भूख लगाते हैं बड़ी अच्छी। नॉर्मल पर्सन हनी और लेमन रेगुलर कंज्यूम कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल। अगर पूरे नॉर्मल आदमी को हनी और लेमन सवेरे अगर पानी में कंज्यूम कर लेते हैं तो कितना हेल्दी होता है आपके लिए पता नहीं है, आप बहुत हेल्दी होता है। हनी और लेमन बड़े आराम से कंज्यूम कर सकते हैं आप। एक क्वेश्चन आया है सर, स्टोन फ्लश को क्या हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? और मुझे लगता है स्टोन फ्लश का सेशन तो हमने करा नहीं है आज। सेशन नहीं है, और मैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्रेगनेंसी के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के बारे में मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि प्रेगनेंसी के पेशेंट्स को हम ट्रीट ही नहीं करते, हम कुछ नहीं देते उनको, डॉक्टर ही देता जो देते हैं। तो इसलिए ये दिस क्वेश्चन इज नॉट एंटरटेन्ड। अगला क्वेश्चन सर, लीवर में कभी कभी पेन का कंप्लेंट आता है, तो हम क्या यूज करें लीवर में? देखिए, अगर सबसे पहले यूज मत करें, पहले तो डॉक्टर को जाके दिखाएं कि क्या हुआ, ये पेन क्यों हो रहा है, और वो लीवर में, वो लीवर में ही है कि कहीं और है। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट चले। हाँ जी, हाँ जी। 30 इयर्स में 30 इयर्स से एसिडिटी के डिकार आते हैं, तो क्या लीवर से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट देना ठीक है? ऐसा है, 30 साल से अगर एसिडिटी के डकार आ रहे हैं तो आप पहले ये देखिए कि आपने 30 साल से क्या किया, आज ये सवाल क्यों उठ गया है? आप पहले जांच करवाइए कि आपको डकार क्यों आ रहे हैं, आपकी शुगर ठीक है क्या, आप शुगर चेक कराइए, अपना पूरा पूरा जांच करवाइए कि आपको 30 साल से डकार आ रहे हैं, आप कर क्या रहे थे 30 साल। अगर स्किन इश्यूज हो तो क्या उसमें लिवर सिरप यूज किया जा सकता है? कुछ नहीं मालूम, ये देखने के बाद पता लगता है। GIT एंड एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं क्या लिवर के कॉम्बिनेशन के साथ? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो।
अगर किसी को बॉडी पर खाना नहीं लगता है तब क्या लीवर संजीवनी दे सकते हैं? पहले तो चेक करो क्यों नहीं लग रहा, फिर कुछ देने की सोच। और आप कह क्यों रहे खाना नहीं लगता? ये चीज सर क्वेश्चंस अब तो रिपीटेड ही हैं, ऑलमोस्ट हम लोग सब आंसर्स कर चुके हैं। चलिए ठीक है, तो फिर हम ना धन्यवाद कहते हैं सबको। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। ये सेशन आप सब सब लोगों के लिए बड़े नए आयाम खोलेगा, बहुत सारे नए आयाम खोलेगा, बहुत सारे लोगों को फैटी लिवर से काबू पाने के अंदर हेल्प करें, और ये वाले सेशन की इंफॉर्मेशन उन तक लेके जाएं, और आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। और मेरी सबके साथ शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।